गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 16 जुलाई 2020 और आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप लोग का मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूँ। तो आज हम देखेंगे देश और दुनिया में क्या नया हुआ है, क्या स्पोर्ट्स में नया है और क्या करंट अफेयर्स में नया है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर मेंस की सीरीज चलाई जा रही है, प्लस मैं अब आप लोगों के लिए BEO एग्ज़ाम के लिए जो 1 मंथ अब रह गया है, 16 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी एक सीरीज़ लेकर आई हूं, तो उसको भी आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि एक महीने में कैसे क्रैक करना है हमें BEO एग्ज़ाम, इसकी पूरी स्ट्रेटजी उसमें दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगर NTPC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो ये बना है ब्रिटेन में। टॉप 3 देश, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेस टूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। आंद्रेस टूडा को फिर एक बार पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट से जीत हासिल की है। पोलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वारसा, मुद्रा है पोलिश जॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पी के पलानी स्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई जो सॉन्ग है वो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है, उसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे लगे कितने वर्ष के बैन को हटा दिया है? तो ये 2 वर्ष के बैन को लगे हटा दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे 2 वर्ष के बैन को हटा दिया। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन CAAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा राज्य के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को आदेश दिया है कि वह 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरण को हटा दें। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पाकिस्तान की असेंबली ने। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है?
तो भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश में विशेष सामान से भरी पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और इसके आसपास के इलाके किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते हैं, जिसमें लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान ने हाल ही में भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस फैसले को सामरिक और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।